नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन के सोलो के एपिसोड में। अगर आप इस गेम पे नए हो तो कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन काफ़ी कमाल का बैटल रॉयल है जो फिलहाल लगभग सभी लोग खेल रहे हैं और काफ़ी डिफ़िकल्ट भी गेम है। वॉरजोन में जीतना ज़रा भी आसान काम नहीं है। अभी मैंने कुछ 700-800 गेम खेली होगी और उसमें से आई थिंक मैं कुछ 5 या 6 बार ही जीता हूँ, लेकिन सोलो में एक भी बार जीता नहीं अभी तक। 500 गेम खेलने के बाद आप वॉरजोन के डिसेंट प्लेयर बन जाते हैं, ऐसा मैं ज़रूर कह सकता हूँ, जो कि मैं अभी हूँ। इसलिए मैंने ये सीरीज़ चालू की है कि आपके साथ मैं होपफुली ये सफ़र शेयर कर सकूँ जब हम हमारा पहला सोलो गेम जीतेंगे। तो मैं शुरुआत की है यहाँ पे डाउनटाउन में उतर के। डाउनटाउन मेरा तो पर्सनली फेवरेट लोकेशन है उतरने का। काफ़ी एक तो लूट काफ़ी रहती है। अरे दोनों गन मैंने सेम ली। तो ये जो जगह है बेसिकली यहाँ पे यूजुअली बाय स्टेशन रहता है। देखिए स्टेडियम के बिल्कुल नज़दीक की ये बिल्डिंग होगी, यहाँ पे यूजुअली बाय स्टेशन रहता है। और आप अगर आजू बाजू में देख ले तो आपको बेसिकली ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ता। अभी देखिए यहाँ पे 5,000 हो गए, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी लूट मिल जाती है, यहाँ पे थोड़े टेंट में मिल जाती है। तो अगर आप यहाँ पे उतर के वॉर जोन मतलब अपना गेम चालू करेंगे तो आप थोड़े से एडवांटेज में पहुंच जाओगे, क्योंकि आप ज़्यादा ट्रैवल नहीं करोगे और आपको लूट फटाफट मिलेगी, पैसे फटाफट मिलेगी। मेरा कभी भी एम यही रहता है वॉरजोन में, अगर मैं सोलो में खेल रहा हूँ या स्क्वाड में खेल रहा हूँ। मैं मिस कर दिया मैंने, कोई बात नहीं। हाँ जी हाँ, तो मैं बता रहा था कि मेरा यूजुअली एम यही रहता है कि फटाफट पैसे जमा करें और लूट आउट ले ले पहला, क्योंकि सेकंड एक डिफ़ॉल्ट लूट आउट तो आ ही जाता है, लेकिन उससे पहले अगर हम अपना लूट आउट ले ले तो आप सेकंड लूट आउट में घोस्ट कर सकते हो और फर्स्ट लूट आउट में आप ओवर किल ले सकते हो। तो इसलिए मैं जल्द से जल्द वो 10,000 का ये करना चाहता हूँ यहाँ पे उतरने का। जैसे कि मैं बोल रहा था, 2-3 एडवांटेज। एक तो छत पे उतरते तो अगर आपके साथ कोई छत पे नहीं उतरा तो आप वैसे भी थोड़े से सेफ रहते हैं लैंड करके, और आप देख सकते हैं अपने आजू बाजू कोई उतर रहा है या नहीं उतर रहा है, कहाँ पे फायरिंग हो रही है, और उस हिसाब से आप अपने डिसीजन ले सकते हैं। हमारा एम फटाक से वो 2,000 रुपये निकाल लेना, और 2,000 रुपये आ गए, बाउंटी भी आ गई अपनी। तो अभी अब आएगा मज़ा। बाउंटी हंट में डायरेक्टली आके नहीं करना चाहता। वो ऊपर मार रहा है, मैं पहले लोड आउट ले लेना चाहता हूँ। अगर मैं लोड आउट ले लेता हूँ तो मेरे पास ऑटोमेटिकली एक एडवांटेज आ जाता है किसी से भी फाइट करने का। तो वहाँ पे कोई उतरा था? आई डोंट थिंक सो। जी हाँ, अगर वो वहाँ पे चला गया तो मैं डिसएडवांटेज पे आ जाऊँगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं वो रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ थोड़ा सा। इसके अंदर लोड आउट इन, अगर आप यहाँ पे ड्रॉप करेंगे तो आप देख सकते हैं कि धुआं कम होता है, और मतलब धुआं होता है वो जो जिसको दिखता नहीं, और लोड आउट ऊपर आता है तो आप आराम से चढ़ के लोड आउट ले सकते हैं, सेटल हो सकते हैं। तो इसीलिए मुझे ये जगह थोड़ी ज़्यादा पसंद है। आज हम किलो और एसपीआर लेंगे।
एसपीआर किलो तो अगर आप रेगुलर वॉरजोन फॉलो रहे तो आपको पता ही होगा कि जो मेटा वेपन्स बोलते हैं उनमें से फिलहाल फिलहाल की मेटा वेपन कोई तो मुझे स्नाइप कर रहा है और वो वहाँ है। Enemy UAV overhead. Enemy UAV overhead. पॉइंटलेस है उसको हिट करना क्योंकि वो होने नहीं वाला। Contract time expired. We lost the target. यहाँ पे एक बंदा जरूर था। क्या लगता है आपको, मुझे ऊपर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? सही हूँ तो बाउंटी यही एरिया में कहीं तो है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बाउंटी ऊपर होने वाली है, लेकिन कोई बात नहीं, हम टेस्ट कर सकते हैं। किसी से लड़ा नहीं तो वॉरजोन में, मतलब एक को तो मार दिया। मैं वही बात कर रहा था कि अगर आप किसी से लड़ नहीं रहे हो तो वॉरजोन खेलने में मज़ा नहीं आने वाला आपको। अगर मतलब दो तरीके होते हैं गेम जीतने के, एक है कि आप आराम से उतर के कैंपिंग कर सकते हो, बस किसी से लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, उतर के शांत कोने में बैठ जाना Bounty target और identified. Slot the bastard. मैं यूएवी लेने के लिए जा रहा हूँ, वो डेफिनेटली मैं बाजू के इसमें होने वाला है। वो बंदा नहीं था। Bounty target is down. Well done. नाइस वन। आई थिंक मैंने दूसरे बंदे को देखा था, लेकिन चलिए यूवी Okay, पॉप कर excellent. देते। Send recon. UAV entering the जी हाँ, AO. और एक यहाँ पे बंदा है जो उसी तरफ उसको ही लूट करने जा रहा है, आई थिंक सो। जी हाँ, तो अगर हमें वो स्नाइप मिल गया, ऊपर जा रहा है। Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Enemy UAV overhead. कर रहा हूँ Enemy UAV overhead. क्या कर रहा है वो बंदा? नाइस शॉट। एसवीआर जो स्नाइपर है वो कमाल की स्नाइपर है, आप देख सकते हैं कि ज्यादा कुछ लीड भीड़ करना नहीं पड़ता। इसके पास क्या है, इसके पास प्रिसीजन है। आई थिंक मैं यूएवी Okay, यूज़ कर excellent. लेता हूँ, Send recon. UAV entering the देख AO. लेता हूँ कोई है यार। अरे ये भी लोड आउट लेके गया था, तो अब जब ओ मेरा घोस्ट रह गया, ओ शिट। अरे यार ये बंदों से लड़ने के चक्कर में मैं घोस्ट ही करना भूल गया। हाँ तो चलिए अंक मार पाते कि नहीं देख से। Be advised, UAV is bingo fuel. RTB आई for थिंक resupply. सो पॉसिबल, हो जाएगा हो जाएगा। कम ऑन 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 कम ऑन। यस, वो चक्कर में क्योंकि तो प्रॉब्लम ऐसा हो गया कि मैंने देखा नहीं अपना यूएवी से कुछ हो रहा है या नहीं। चलिए कोई बात नहीं, मैं फटाफट एक यूएवी वापस से पॉप कर दूँ, नहीं सेल्फ ले लेता हूँ। आई थिंक यूवी से एडवांटेजियस सेल्फ ही रहेगा। मैं अब यहाँ पे रहना नहीं चाहता क्योंकि मैंने थोड़ा सा शाउट कर लिया है, मतलब गोलियाँ वीलियाँ चली तो I'm going. आई थिंक मैं वहाँ जाना पसंद करूँगा। हिल एरिया रहेगा तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं झाड़ी वाला झाड़ी वाला स्किन है, तो Gas is closing. Get to the new safe zone. मैं मतलब हिडन रहने में थोड़ी सी मदद होगी और वहाँ पे ही स्नाइप की आवाज़ आ रही है शायद। क्या वो बंदा है?
तो नीचे तो वो डेफिनेटली बनता है, पता नहीं उसने देखा है कि नहीं देखा है, मैं होप कर रहा हूँ कि उसने नहीं देखा होगा। चलिए किल हो गया, म्यूनिशंस बॉक्स। ओके तो मैं प्लेट बॉक्स डाल देता हूँ और म्यूनिशंस बॉक्स उठा लेता हूँ। Okay, प्रिसीजन actual. Send recon. या आई थिंक इट लुक्स गुड। An enemy team is hunting you. Stay alert. यहाँ पे और Move यहाँ this पे, way. तो यहाँ पे डेफिनेटली लोग है, वो बॉस चला गया है, तो आई थिंक वही बंदा होगा जो मुझे UAV is being स्नाइप offered. करने की कोशिश कर RTB रहा for है। resupply. नॉट स्नाइप, वो आई थिंक वही मेरा बाउंटी हंटिंग होगा। मेरे लेफ्ट में भी एक बंदा था जो, मैं एक्चुअली इससे ज़्यादा Enemy कंसर्न्ड हूँ। UAV overhead. अगर प्रॉब्लम हुए तो आई थिंक हम टॉप 10 तो जाने ही चाहिए। ये बंदा थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है क्योंकि ये पहले यूवी पे आया था और बाद में डिसअपियर हो गया, तो वहाँ पे जाना नहीं चाहता क्योंकि हमने देखा था, मैंने जो ऑरेंज मार्कर किया था वहाँ पे 2 बंदे थे। तो यूजुअली मेरा गेम प्ले यही से रहता है कि नाइस किल। आई थिंक वो यही बंदा था जो हमको वहां पे दिखा था। Target marked. Burn it all. This is Tracker 3-1. Good copy. Strike inbound. और आई थिंक दिस विल बी द एंड। या मैंने देखा, आप देख सकते हैं कि मैंने प्रिसीजन की कोशिश की थी। वो एक्चुअली प्रिसीजन वो कवर के लिए ही था। मैं होप कर रहा था कि वो प्रिसीजन के कवर के चक्कर में वो मुझे कुछ ना करे, मैंने उसको देख लिया था दूर से ही। कोई बात नहीं, ऐसी चीज़ें होती रहती है। कभी कभार वॉर जोन का गेम ये लक पे भी बहुत डिपेंड रहता है कि आप किस जगह पे कब स्पॉन कर रहे हो। हमें भी 2-3 फ्री किल मिल गए जब बंदे को पता नहीं था कि मैं वहां पे हूँ। तो चलिए, गुलाग हमेशा 50-50 ही रहता है। कोई बात नहीं, होपफुली आपको पसंद आया होगा ये एपिसोड। हमने कोशिश की, 20th प्लेस आ गए, नॉट दैट बैड। जैसे कि हम देख रहे थे कि मतलब किल्स भी हुए थोड़े फार और खेलने को भी मिला, तो इतना बुरा या भी नहीं था ये गेम प्ले। हम ऐसा कर सकते कि हम कैंप कर सकते और डायरेक्ट टॉप 10 में पहुंच जाएंगे और बाद में एक आध दो किल्स मार के जीत जाएंगे, लेकिन ये आदत मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती है। अगर जितना आप एंगेज करोगे, उतना लोगों को एंगेज करोगे, उतना आप बेसिकली आपका गेम प्ले सुधरेगा। तो वही मेरा एम है। और ये बंदा तो लगता है मरने वाला है, नहीं जाए बच जाएगा। तो जी हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, होपफुली आपको पसंद आया होगा। और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये सीरीज़ कुछ टाइम तक तो चलती रहेगी, और नहीं तो एटलीस्ट वॉरजोन का पहला गेम आने तक तो चलती ही रहेगी। तो आई होप यू गाइज एंजॉय एंड या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।